Hey guys, welcome back to my channel once again. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम फिर बात करेंगे जिला सहकारी बैंकों की, जहां पर काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट कब आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा दो डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर उधम सिंह नगर और जिला पिथौरागढ़ में काफ़ी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन हो जाए, ऑलमोस्टली 96 के आसपास जो है कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट को किस तरह से ज्वाइनिंग के टाइम पर करना, क्या काफ़ी जो है रिलेटेड कमेंट्स आ रहे थे, तो उसके बारे में एक वीडियो के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उसके अलावा रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको पता होगा यूएस नगर यानी कि उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट की जो है जिला सहकारी बैंकों में जो सहयोगी गार्ड के पद थे उनके लिए करीब 48 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसके बाद जो है पिथौरागढ़ सहकारी बैंक लिमिटेड की जो है भर्तियां आई थी, ठीक, भर्तियों का रिजल्ट आया था जिसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 47 या 48 के आसपास जो है सिलेक्शन हुए थे। सभी कैंडिडेट्स को एक बार मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो है 14th March को आया था, ये आई थिंक रात के करीब 10 बजे के आसपास आया था। उसके अगले दिन ही उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का भी आ गया था। सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अब काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि किस तरह से इसमें ज्वाइनिंग करना है, तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि बैंक की ओर से जो ये कहा गया है कि नियुक्ति हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों को 15 दिवस के भीतर यहाँ पर जो है जिस भी कॉपरेटिव बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है, चाहे आपका पिथौरागढ़ में हुआ हो चाहे यूएस नगर में हुआ, तो 15 दिन के अंदर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड में जो है जो मुख्यालय है मैं उपस्थित होकर समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करनी है। अब वो औपचारिकताएँ कौन कौन सी हैं यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है कम्युनिकेट तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो मंडे को आप ज़रूर जाएं। जितने भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं, पहली बात जो आपने फॉर्म भर के रखा है, ठीक है, मतलब जो आपने फॉर्म भरा था उसका पूरा एक सेट लेके जाएं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आपने डॉक्यूमेंट उस फॉर्म में अटैच किए थे उनका भी एक सेट जेरोक्स कॉपी यानी कि दो सेट आपको रखना है, ठीक है। और उसके अलावा उसमें जितने भी आपने अपने ओरिजिनल हैं यानी कि जो भी आपने फॉर्म भरते हुए याद होगा आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उसमें 10th और हाई स्कूल के अलावा जो भी आपके स्पोर्ट्स के हों, एक्सपीरियंस के हों और जो भी डॉक्यूमेंट थे वो उसमें जो है आपको अटैच करने थे, तो उनका एक सेट आप ज़रूर ले लें। और उसके साथ जो आपने फॉर्म भरा था उसका आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो वो आप ज़रूर अपने साथ रख लें। उसके अलावा जितने भी आपके शैक्षिक डॉक्यूमेंट है उनका ओरिजिनल और उसके अलावा जितने भी आपने जो है एक्सपीरियंस लाइक स्पोर्ट्स के जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो अपने साथ ज़रूर लें। और उसके अलावा यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, यहाँ पर जो हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके अनुसार कि मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जा रहा है, तो इसको भी आप ज़रूर तैयार कर लें। उसके अलावा एक एक सेट जो है सारे आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सेट है वो, और उसके अलावा दो लेटेस्ट फ़ोटो, हालांकि इन्होंने चार कहा है जहां तक हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आप दो से लेकर चार तक के जो है अपने लेटेस्ट फ़ोटो जो है वहां पर लेके जाएं। और कम से कम यहां इन्होंने जो आपको डेडलाइन दी है वो दी है 15 दिवस के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर आपको 15 डेज के अंदर जो है, यानी कि अगर ये 14 इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है, जो रिजल्ट घोषित हुआ है इसको अगर मैं 14 मान लूँ तो ऑलमोस्टली आपको 30 मार्च के अंदर ये सारे यानी आपने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेने हैं। और उसके अलावा वहाँ पर जाने पर यानी कि जो इनका मुख्यालय है ऑफिस में जाने पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको सारी अपनी डिटेल्स भरनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसको कहा जाता है, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको भरनी है, जो जो आपने फॉर्म भरी होगी आपकी सारी डिटेल ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक सेट जो है आपने जो फॉर्म भरा है वो भी आप ज़रूर लेके जाएँ। ये रही सारी डिटेल उन कैंडिडेट की जिनका यहाँ पर जो है सिलेक्शन हुआ है उधम सिंह नगर कोऑपरेटिव बैंक्स और उसके अलावा जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ में। अब बात आती है उन कैंडिडेट्स की स्पेशली जैसे कि आपने अभी देखा होगा कोर्ट द्वार का जो है रीओपन हो गया है, लास्ट डेट जो है
26 मार्च है, तो जिन जिन कैंडिडेट ने कोटद्वार का नहीं भरा है तो उसका फॉर्म भर लें, ठीक है। उसके अलावा सभी डिस्ट्रिक्ट्स के, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस बार का फॉर्म रीओपन हुआ है, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है, तो अगर आप भरना चाहते हैं तो इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो कोटद्वार के जो कैंडिडेट हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप मान के चलो अप्रैल में के आसपास जो है, अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक के आसपास आपकी फिजिकल और इंटरव्यू की डेट आएगी और सबसे लास्ट में आप ही का होगा, ठीक है। उसके अलावा टिहरी में भी आई थिंक कैंडिडेट्स के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि उनके हुए नहीं है करके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एग्जैक्टली करेक्ट में, वहाँ पर भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है जिसके कारण हम आपको ये चीज़ अवेलेबल करा सकें, ठीक है। अगली बात अब आती है दो डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर इंटरव्यू बचे हुए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वन ऑफ देम इज चमोली एंड अदर वन इज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पर हमने जो है होली के छुट्टियों के दो दिन पहले रेगुलर चमोली भी और रेगुलर नैनीताल से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमारी बात भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कोई चीज़ क्लियर ये नहीं बताया कि कब तक जो है इंटरव्यू की डेट आ सकती है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीक यानी कि जो मंडे से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसके आसपास जो है कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल ज़रूर करें, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, स्टोरीज के माध्यम से मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उसके अलावा रेगुलर आप चमोली और जो है चमोली और नैनीताल दो डिस्ट्रिक्ट्स की वेबसाइट रेगुलर अपडेट करते रहें, चेक करते रहें, क्योंकि कभी भी अपडेट आ सकती है इस वीक यानी कि इस मंथ एंड तो आना ही आना है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एनी हाउ, यहाँ तक हमारी कॉन्टैक्ट पे जो अधिकारी इस चीज़ को देखते हैं, हमारी बातचीत हो रही है, हमारे कुछ कैंडिडेट हैं या फिर हमारे कुछ दोस्त लोग हैं वो भी बराबर उनसे टच में हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आ जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, फिर जो भी होगी हम आप तक बताएंगे। अब बात आती है रिजल्ट की, जो कि काफ़ी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, लाइक देहरादून हो गया, अल्मोड़ा हो गया और जहाँ जहाँ न्यू टेहरी या फिर जहाँ 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 भी जो है इनके फिजिकल जो है और इंटरव्यू हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, बीच में आपने देखा होगा 14 तारीख को ही जो है रात के करीब 10 बजे के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूएस नगर का रिजल्ट जारी हो गया था और उसी के अगले दिन, हालांकि अगले दिन तो आई थी न्यूज लेकिन रात को ही हम जो है अपडेट दे नहीं पाए थे, लेकिन रात को ही पिथौरागढ़ का भी हो गया था, यानी कि एक ही दिन दो दिन का हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से आपने देखा होगा होली वगैरह की छुट्टियाँ आ गई। अगर आपने देखा होगा पिथौरागढ़ का, या तो फिर आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, पिथौरागढ़ का जो रिजल्ट आप देख सकते हैं 21 फरवरी 2022 को ही जो है यहाँ पर ये रेडी हो गया था, लेकिन जो है कोड ऑफ कंडक्ट के कारण इसको रिलीज नहीं किया गया था। तो अगला जो रिजल्ट मोस्ट लाइकली जो आने के चांसेस, हालांकि होली के एक दिन पहले भी हमको थोड़ी सी अपडेट आ रही थी कि देहरादून का जो है रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो मोस्ट लाइकली जो चांसेस बन रहे हैं अब जो नेक्स्ट तीसरा रिजल्ट आने वाला है वो देहरादून का ही आने वाला है, तो आज तो नहीं, आज तो वैसे भी सैटरडे है, कल संडे है, तो मोस्ट चांसेस हैं कि आपके नेक्स्ट वीक तक जो है आपका जो है देहरादून का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा फिर अल्मोड़ा का भी नंबर है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी का रिजल्ट आएगा। आई थिंक मोस्टली है कि इस मंथ के एंड तक तो सभी का रिजल्ट आ जाना चाहिए और जहाँ जहाँ का नहीं आया है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के बटन को दबा दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर जो है चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अप्रैल माह में ही जो है करीब 300 से ऊपर पदों पर, जी हाँ फ्रेंड, 300 से ऊपर पदों पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में भर्तियाँ आने वाली हैं, हमारे पास अपडेट आ रही है धीरे धीरे, उसके बारे में जब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा कोटद्वार में जो है भर्ती रीओपन हो गई है, तो आप चाहें तो कोटद्वार का भर सकते हैं। उसके अलावा चमोली में, जी हाँ फ्रेंड, चमोली जो है वहाँ पर लिपिक और कैशियर की भर्ती आई हुई है, तो आप चाहें तो उसको भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट और फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसके अलावा केवल इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। और जल्दी ही हम लिपिक कैशियर के इंटरव्यू किस तरह से होता है उसका भी वीडियो बहुत जल्द आने की
कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।